नाजायज तरीके नाल रह रहे लखां प्रवासियों विचों उन्हां नूं सब तो पहला पक्का किया जा सकता है जो कानूनी तरीके दे नाल मुल्क दे विच दाखल हुए पर वीजा खत्म होण मगरों वापसी रखी थी। द ग्लोब एंड मेल की रिपोर्ट के मुताबिक इस वेले तकरीबन 3 लाख तो 6 लाख प्रवासी गैर कानूनी तरीके नाल कैनेडा विच मौजूद हैं जिन्हां विचों ज़्यादातर उपर डिपोर्टेशन का खतरा मंडरा रहा है। पर इमीग्रेशन मंत्री मार्क मिलर का यह भी कहना है कि गैर कानूनी प्रवासियों को पक्का करने की योजना बसंत ऋतु तो पहला आनी संभव नहीं है। इमीग्रेशन मंत्री ने यह भी कहा है कि हर गैर कानूनी प्रवासी को पक्का नहीं किया जाएगा, खास तौर पर उन्होंने बिल्कुल नहीं जो हाल ही के विच कनेडा पहुंचे ने। द ग्लोब एंड मेल की रिपोर्ट यह भी कहती है कि मार्क मिलर वालों बसंत ऋतु विच गैर कानूनी प्रवासियों बारे तजवीज फैडरल कैबिनेट विच पेश की जाएगी और फैसला सर्वसम्मति लिया जाएगा। सो गल करन जा रहे हैं कैनेडा की। कैनेडा विच नाजायज तरीके नाल रह रहे लखां प्रवासियों विचों उन्हां नूं सब तो पहला पक्का किया जा सकता है जो कानूनी तरीके दे नाल मुल्क दे विच दाखल हुए पर वीजा खत्म होने मगरों वापसी रखी थी। द ग्लोब एंड मेल की रिपोर्ट के मुताबिक इस वेले तकरीबन 3 लाख तो 6 लाख प्रवासी गैर कानूनी तरीके नाल कैनेडा विच मौजूद हैं जिन्हां विचों ज़्यादातर उपर डिपोर्टेशन का खतरा मंडरा रहा है। पर इमीग्रेशन मंत्री मार्क मिलर का यह भी कहना है कि गैर कानूनी प्रवासियों को पक्का करने की योजना बसंत ऋतु तो पहला आनी संभव नहीं है। इमीग्रेशन मंत्री ने यह भी कहा है कि हर गैर कानूनी प्रवासी को पक्का नहीं किया जाएगा, खास तौर पर उन्होंने बिल्कुल नहीं जो हाल ही के विच कनेडा पहुंचे ने। द ग्लोब एंड मेल की रिपोर्ट यह भी कहती है कि मार्क मिलर वालों बसंत ऋतु विच गैर कानूनी प्रवासियों बारे तजवीज फैडरल कैबिनेट विच पेश की जाएगी और फैसला सर्वसम्मति लिया जाएगा।